तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं पहला ब्रेक स्टेटमेंट। क्या ब्रेक स्टेटमेंट? ब्रेक स्टेटमेंट क्या देखने जा रहे हैं? ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट किसे कहते हैं? आप इसका नाम ही सुन के समझ जाइएगा कि ब्रेक में क्या होता है, तोड़ना, स्टॉप करना, रोकना। तो क्या बोल रहा है? दोज दोज स्टेटमेंट। क्या किसका क्या होगा डिफिनेशन? दोज स्टेटमेंट विच इज यूज्ड, वह स्टेटमेंट जिसका प्रयोग किया जाता है किसका, एक रनिंग प्रोग्राम को, एक वर्किंग प्रोग्राम को क्या स्टॉप करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट कैसे बोलेंगे? दोज स्टेटमेंट विच इज यूज फॉर एक्सक्यूट एंड स्टॉप द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट एंड स्टॉप द प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम? उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग बोलेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख के समझते हैं, लिख के हम लोग इसे बढ़िया से समझेंगे। जैसे क्या बोल रहा है? दोज स्टेटमेंट, दोज स्टेटमेंट, दोज स्टेटमेंट, दोज स्टेटमेंट विच विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड फॉर टर्मिनेट, क्या टर्मिनेट एंड अस्टॉप टर्मिनेट एंड अस्टॉप द एक्सिक्यूशन, टर्मिनेट द एक्सिक्यूशन एक्सिक्यूशन वर्किंग एग्जीक्यूशन वर्किंग ऑफ लूप लूप इज नॉन एज ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? क्या बोल रहा है कि वह स्टेटमेंट, क्या वह स्टेटमेंट जो जिसका प्रयोग क्या चीज में होता है, टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब क्या होता है, रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए जिसका प्रयोग टर्मिनेट एंड अस्टॉप, अस्टॉप मतलब क्या होता है, रोकना। टर्मिनेट एंड क्या अस्टॉप द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब क्या, चलते हुए प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन, रन बोलते हैं इसको, क्या चलते हुए वर्किंग ऑफ लूप, जो क्या लूप के कार्यों को, क्या जो रूप लूप के चल रहे कार्यों को रोकने या टर्मिनेट करने का कार्य करता है के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट बोलते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट किस क्या बोला जा सकता है कि वह स्टेटमेंट, क्या वह स्टेटमेंट जिसका प्रयोग, क्या जिसका प्रयोग एक, क्या एक चलते हुए, क्या एक चलते हुए लूप के कार्य, क्या एक लूप के कार्य जो चल रहा है, जो क्या कर रहा है, रन कर रहा है, क्या कर रहा है, रन कर रहा है, उसको रोकने के लिए, क्या उसको रोकने के लिए जिस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट बोलते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का? ब्रेक स्टेटमेंट। चलिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या समझते हैं? एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल में क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल पर ले लिए हम लोग, जैसे हम लोग प्रोग्राम ले लिए, हैश इंक्लूड studio.h has include studio.h has include conio.h int main उसके बाद ओपन कर लिए ब्रेसेस, फिर उसके बाद clr ser parenthesis फिर semicolon clr ser उसके बाद parenthesis, उसके बाद क्या int i इंटीजर हम लोग कितना माने, इंटीजर क्या माने, i। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 4, क्या 4 i equal to 1 देन फिर क्या होगा, सेमीकोलन, फिर क्या देंगे i greater than equal to 10। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोगों ने ले लिया i++1। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग क्या गया 4। उसके बाद क्या आएगा हम लोग का,
फोर के बाद आएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या ले लिए, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ उसके बाद क्या आएगा हम लोग का ओपन करली ब्रेसेस, क्या ओपन करली ब्रेसेस, उसके बीच में क्या आएगा स्टेटमेंट, तो क्या लिखेंगे प्रिंट एफ उसमें क्या होगा, चलिए हम लोग लिख लेते हैं स्लाइस आई पैरेंथेसिस के अंदर आई स्लाइस एन और फिर इसको सेमी कॉलन से एंड का, उसके बाद क्या देते हैं ईफ, क्या ईफ, ईफ आई इक्वल टू क्या आई इक्वल टू सेवन, क्या आई इक्वल टू सेवन, आई इक्वल टू सेवन, फिर क्या दिए आई, क्या ईफ इक्वल टू आई, उसके बाद क्या दिए ब्रेक, क्या ब्रेक, फिर क्या दिए ब्रेक, उसके बाद क्या दिए ओपन कर ली, फिर क्लोज कर ली ब्रेसेस, फिर गेट सी एच, क्या गेट सी एच, उसके बाद क्लोज कर ली ब्रेसेस, तो क्या हो गया हम लोग, तो क्या हो गया हम लोग का एग्जांपल हो गया। एग्जांपल में क्या इसको कैसे समझेंगे, क्या बोल रहा है कि एक प्रोग्राम है, क्या है एक प्रोग्राम है जिसमें क्या बोल रहा है कि एक से दस तक के नंबरों को दिखाना है, जिसमें फोर लूप में क्या बोल रहा है कि एक लूप लिए, क्या लिए हम लोग एक लूप लिए, एक लूप ले लिए जिसमें क्या एक से दस तक को नंबरों को दिखाना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन तक के नंबरों को दिखाना है, लेकिन लेकिन क्या बोल रहा है कि प्रिंट एफ आई, आई इक्वल टू को तब प्रेस, क्या तब प्रिंट कीजिए जाओ, इफ क्या है दि, इफ इफ इक्वल टू क्या हो जाता है, इफ इक्वल टू क्या हो किसी को बराबर को दिखाना, जैसे आठ, क्या आठ इक्वल टू आठ दिखाना है, क्या आठ इक्वल टू आठ, तक प्रोग्राम में ये क्या हो जाता है गलत होता है, आठ इक्वल टू आठ दिखाने के लिए डबल इक्वल टू का सिंबल का यूज करते हैं, क्या डबल इक्वल टू का सिंबल का यूज करते हैं, इसे क्या बोलते हैं इक्वल टू, तो क्या बोल रहा है कि इफ प्रोग्राम, क्या यदि प्रोग्राम क्या हो आई इक्वल टू सेवन हो, क्या आई इक्वल टू सेवन हो तब क्या करना है प्रोग्राम को ब्रेक करना है, क्या करना है ब्रेक करना है, तो यह प्रोग्राम में क्या दिखाएगा वन से लेकर कितना टेन तक ना दिखा करके कितना तक दिखाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, क्या फोर फाइव सिक्स सेवन तक दिखाएगा, क्या करेगा सेवन तक दिखाएगा, ये क्या हो गया हम लोग का ब्रेक स्टेटमेंट, क्या करेगा यहीं पर प्रोग्राम को क्या कर देगा ब्रेक कर देगा, जैसे आप क्या कीजिएगा आप प्रोग्राम को रन कीजिएगा, क्या कीजिएगा रन कीजिएगा, तो आपके पास क्या होगा कितना नंबर दिखाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन तक के नंबरों, लेकिन आपने क्या प्रोग्राम में आपने एक से दस तक को नंबरों को दिखाने का प्रोग्राम लिखा, क्या एक से दस तक को नंबरों को डिस्प्ले करेगा उसका प्रोग्राम लिखे थे, लेकिन क्या हुआ कि इफ, क्या इफ आई इक्वल टू सेवन, क्या इफ आई इक्वल टू सेवन क्या बोल रहा है, तो उसके पास जाने के बाद में क्या करेगा कि जब तक क्या फोर लूप का क्या चीज पहुंचेगा कहाँ तक सेवन तक, तो प्रोग्राम क्या करेगा ब्रेक करेगा, क्या करेगा ब्रेक करेगा, कहाँ पर रुकेगा सेवन के पास रुकेगा, लेकिन हम लोगों ने कितना लिखा था दस तक लिखा था, लेकिन उस प्रोग्राम को कितना तक सेवन तक ही रोक दिया, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट, क्या बोलेंगे ब्रेक स्टेटमेंट, जैसे अगर सेवन की जगह पर आप फाइव भी लिखते तो प्रोग्राम कहाँ तक फाइव तक ही आके क्या कर जाता स्टॉप कर जाता, क्या कर जाता स्टॉप कर जाता, अगर आप क्या देते फोर भी देते क्या देते आई इक्वल टू आई इक्वल टू फोर, तो कितना चार तक दिखाता आई इक्वल टू कितना दिखाता है आप देते नाइन तक, क्या वह नाइन पर आके क्या करता वहीं पर स्टॉप कर जाता ब्रेक कर जाता टर्मिनेट कर जाता, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट बोलते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट किसे बोलते हैं वह स्टेटमेंट जिसका प्रयोग वह स्टेटमेंट जिसका प्रोग्राम जिसका प्रयोग एक लूप को क्या एक चलते हुए लूप को क्या स्टॉप करने के लिए रोकने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, तो ये क्या हो गया हम लोग का ब्रेक स्टेटमेंट, तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जांपल किसका ब्रेक स्टेटमेंट का, किसका ब्रेक स्टेटमेंट का, तो ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग क्यों करते हैं किसी भी प्रोग्राम किसी भी चलते हुए प्रोग्राम को रोकने के लिए जिस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं उसे क्या करते हैं हम लोग उसे क्या बोलते हैं हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं एग्जांपल देखते हैं किसका ब्रेक स्टेटमेंट का, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग कोडिंग सी एफ्स को खोलेंगे, क्या करेंगे कोडिंग सी एफ्स को खोलेंगे, कोडिंग सी एफ्स को खोलने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगा, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम इसको इरेज कर देंगे हटा देंगे मिटा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्रोग्राम को खुद से लिखेंगे, क्या करेंगे खुद से लिखेंगे, जिसमें क्या होता है कि किसी तो क्या होता है कि जिस किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए
क्या किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का? हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग हेडर फाइल क्या होता है, हम लोग का हेडर फाइल होता है हैश इंक्लूड studio.h। क्या होता है? studio.h। और दूसरा हेडर फाइल क्या होता है हम लोग का, दूसरा हेडर फाइल हम लोग का होता है हैश इंक्लूड फिर टैग का चिन्ह, फिर टैग के बीच में क्या देंगे हम लोग, हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद क्या आता है, int इज ए कीवर्ड। उसके बाद क्या आता है, main इज ए फंक्शन। फिर क्या देते हैं हम लोग, पैरेंथेसिस। उसके बाद क्या आता है, ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस, जिसके बीच में हम उसके जिसमें क्या होता है प्रोग्राम को लिखते हैं, जिसमें हम लोग का क्या आता है CLR SCR, इट मीन्स क्लियर स्क्रीन। इसका अर्थ क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद क्या आता है हम लोग का, इंटीजर। क्या आता है, इंट। तो इंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंट इक्वल टू आई। इंटीजर हम लोगों ने क्या ले लिया, आई। उसके बाद क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, फोर लूप का। क्या चीज़ का, फोर लूप का, जिसमें हम लोग का होता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। जिसमें हम लोग का इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं, इनिशियलाइजेशन हम लोग कहते हैं आई इक्वल टू वन को क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियलाइजेशन। एंड आई ग्रेटर देन इक्वल टू टेन इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं कंडीशन। उसके बाद क्या आता है हम लोग का, अपडेशन। क्या होता है, आई प्लस प्लस को क्या बोलते हैं, अपडेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है हम लोग का, उसके बाद आप लोग क्या देते हैं, ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस। जिसमें हम लोग का क्या होता है, जिसमें भी हम लोग का कंडीशन होता है क्या, इफ आई इक्वल टू सेवन। क्या हो कि किसी भी प्रोग्राम में आप किसी नंबर वेरिएबल या तो अन्य प्रकार के किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, आप इक्वल टू दिखाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल इक्वल टू साइन का प्रयोग करना पड़ेगा। तब क्या होगा, वह इक्वल होगा। उसके बाद क्या होगा कि if i = 7 देन प्रोग्राम होगा ब्रेक। क्या करेगा कि क्या बोल रहा है कि i का मान कितना, प्रारंभ कितना से करेगा, 1 से। कंडीशन कितना तक जाएगा, 10 तक। इसका क्या होगा, इसका इंक्रीमेंट वैल्यू कितना होगा, 1 1 1। क्या होगा, 1 2 3 4 5। और क्या होगा कि i = 7 आने से पहले क्या करेगा, प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा। जैसे क्या बोलता है कि ब्रेक स्टेटमेंट में जैसे बोला जाता है कि वह स्टेटमेंट जिसका प्रयोग किसी भी चलते हुए प्रोग्राम को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। तो क्या करेगा कि यह कितना, 1 से लेकर 10 तक चलना है, लेकिन क्या कर दे रहा है, i = 7 कर दे रहा है। तो क्या करना है कि 7 तक पहुंचने के बाद क्या करेगा, प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, प्रोग्राम रुक जाएगा। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद क्या आएगा हम लोग का, उसके बाद हम लोग का आता है स्टेटमेंट। क्या आता है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या होगा, परसेंट डी। उसके बाद स्लाइस एन। उसके बाद क्या आएगा हम लोग का, कोमा। उसके बाद आई। उसके बाद क्या आएगा, क्लोज करली ब्रेसेस। फिर क्या आएगा,
गेट सी एच, क्या गेट सी एच, फिर पैरेंथेसिस, फिर सेमी कोलन, ये क्या हो गया हम लोग का प्रोग्राम हो गया फाइनल, प्रोग्राम क्या हो गया तैयार हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे, क्या करेंगे रन करेंगे, तो रन करेंगे तो क्या दिखाएगा आपको प्रोग्राम को रन करने के बाद में आपको क्या दिखाएगा कि वो एक से लेकर कितना कितने नंबरों को दिखाना, एक से लेकर 10 तक, लेकिन क्या करेगा वह एक से लेकर 7 तक जाएगा और 7 पर क्या करेगा प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा, क्या कर जाएगा 7 पर प्रोग्राम को क्या हो जाएगा ब्रेक कर जाएगा। चलिए हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं। देखिए जैसे आप देख सकते हैं क्या हुआ कि एक से लेकर 6 तक के नंबरों को दिखाया, लेकिन क्या किया कि 7 में क्या किया वह नंबर को क्या कर दिया ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया रोक दिया प्रोग्राम, वहाँ पर क्या कर दिया स्टॉप कर दिया। तो ब्रेक स्टेटमेंट का हम लोग क्या किस लिए प्रयोग करते हैं कि चलते हुए प्रोग्राम को क्या कर दे कि उसको बीच में रोक दे, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्या करते हैं कि अगर हम लोग क्या कर देते हैं 9 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 10 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, तो क्या होगा कि प्रोग्राम 10 से पहले क्या कर जाएगा ब्रेक कर जाएगा, क्या कर जाएगा ब्रेक कर जाएगा, 10 पर जाने के बाद में क्या करेगा प्रोग्राम ब्रेक करेगा और 1 से लेकर 9 तक के नंबरों को डिस्प्ले करेगा। तो चलिए देखते हैं, तो देखिए जैसे आप देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक क्या हुआ 10 तक पहुँच के क्या किया प्रोग्राम ब्रेक कर गया और 1 से लेकर 9 तक के नंबरों को क्या कर दिया डिस्प्ले कर दिया। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया ब्रेक स्टेटमेंट।